वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। हाँ दोस्तों, अगर आपने भी मैच देखा होगा तो आप भी निश्चित यही कह रहे होंगे कि क्या सीन है, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली और मुंबई का फाइनल चल रहा था और दूसरी तरफ रनों की बरसात से दर्शक आनंद में झूम रहे थे और हर व्यक्ति के मुंह से बस यही निकल रहा था कि मजा आया। हर व्यक्ति के मुंह से बस यही वर्ड निकल रहे थे। दोस्तों, अगर आपने ये मैच नहीं देखा है तो आप जाके वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का हाइलाइट्स देखिए, आप भी बस यही कहेंगे कि मजा आया, क्योंकि इतने रन बरस रहे थे कि हर एक व्यक्ति से बस हो यही मुंह से निकल रहा था। तो दोस्तों, क्या हुआ आज के मैच में, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो फटाफट से इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट्स करके ये बताइए कि क्या वेस्ट इंडीज का ये तरीके से पीटना सही, वेस्ट इंडीज के बैटरों को बॉलरों पर तरस नहीं आता। तो दोस्तों, आइए चलिए जानते हैं क्या हुआ। सबसे पहले साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और फील्डिंग करने का फैसला उसका सही भी साबित हुआ। पहला विकेट 2 रन के स्कोर पर वेस्ट इंडीज का गिर गया, लेकिन वहां से तूफान आना शुरू हुआ। ऐसा तूफान आया चार्ली और मेयर्स का कि दोनों ने मिलकर पहले 10 ओवरों में 130 रन ठोक दिए। वहां पर चार्ली ने 40 बॉलों में 118 रन की, मेयर्स ने 27 बॉलों में 51 रन बनाए और बस यही कहने लगे, क्या नमस्ते अंकल जी, पहचान लिया हम वेस्ट इंडीज वाले हैं, हमको ऐसा ही खेलने की आदत है। तो दोस्तों, इस तरीके से वेस्ट इंडीज की टीम ने 20 ओवरों में 258 रन बना डाले और साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 259 रन का एक बड़ा लक्ष्य दिया। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर 59 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत क्विंटन टिकॉक और रीजा हेंड्रिक्स ने की और ऐसा लग रहा था कि तूफान के बाद सुनामी आई। रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक ने बहुत ताबड़तोड़ पारी की कि वेस्ट इंडीज वाले तो देखते रह गए थे, उनकी पारी तो कुछ भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे धोबी किसी कपड़े को बार बार पीट पीट कर धो रहा हो। दोस्तों, इस तरीके से वेस्ट इंडीज के बॉलरों की धुनाई की। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्विंटन डिकॉक ने 50 रन बनाने के लिए मात्र 15 गेंदों का सहारा लिया और वहीं पर उन्होंने अपना शतक मात्र 43 गेंदों में पूरा कर दिया। अपनी टीम का स्कोर 5.5 ओवरों में ही 100 रन पहुंचा दिया था और वेस्ट इंडीज के पास रोने के अलावा कुछ नहीं। रीजा हेंड्रिक्स भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी अपना अर्धशतक मात्र 24 गेंदों में पूरा कर लिया। अब आप सोच लीजिए कि दोनों ने मिलकर 10 ओवरों में 152 रन ठोक डाले, तब जाके वेस्ट इंडीज को थोड़ी सी खुशी मिली और क्विंटन डिकॉक के रूप साउथ अफ्रीका ने अपना पहला विकेट खोया। अब उसे जीतने के लिए 56 बॉलों में 88 रन की आवश्यकता थी, लेकिन तब वेस्ट इंडीज की टीम ने थोड़ी सी वापसी की और उन्होंने लगातार साउथ अफ्रीका के 3 विकेट निकालकर ये दिखाया कि वो मैच में वापस आ रहा है। अब जिम्मेदारी थी मार्कम और डेविड मिलर पर और डेविड मिलर और मार्कम ने बाकी का बचा हुआ काम पूरा कर दिया और दोनों ने जीत के करीब पहुंचा दिया। तभी डेविड मिलर आउट होकर पवेलियन वापस लौट गए। अब उसे 18 बॉलों में 23 रन की जरूरत थी, जिसको मार्कम और क्लासन ने पूरा कर दिया और साउथ अफ्रीका ने यह मैच 6 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि क्या तीसरा मैच वेस्ट इंडीज या साउथ अफ्रीका कौन सी टीम जीती।